अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आज हमें जो है लेसन वर्क करना है, ठीक है जू? तो हम लेसन वर्क शुरू करते हैं आज। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक है जू? वी चेंज अवर क्लोथ्स, फूड एंड एक्टिविटीज एज पर द डेज। क्रॉप्स के हिसाब से हम अपना क्लोथिंग, फूड और एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं, या मंथ के हिसाब से या सीजन के हिसाब से। तो हम सीज़न के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है जो? आप यहाँ पे क्या करोगे, सीज़न डालोगे। आप नंबर टू है, वी लाइक टू वियर डैश क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन। हम समर सीजन में कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? वुलन, कॉटन की सिल्क। हम कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम क्या करेंगे, सेकंड पे कॉटन डाल देंगे, ओके? नंबर थर्ड, डैश इज़ द मोस्ट कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर। सीजन पूरे साल का जो सीजन का कलरफुल सीजन कौन सा है, वो है जो स्प्रिंग सीजन, ठीक है? नंबर थर्ड पे हम रखेंगे स्प्रिंग। द वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, जो लंबे लंबा वेदर चलता है, लंबे मतलब पीरियड के लिए जो क्लाइमेट रहता है, उसको क्या कहते हैं, सीजन, ठीक है? स्कूल्स आर क्लोज ड्यूरिंग डैश सीजन। कौन से सीजन में स्कूल क्लोज होते हैं? हमारे जो है समर सीज़न में होते हैं, क्योंकि समर सीज़न में वो गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है ना। हमारे यहाँ तो विंटर में भी होती है, तो हम यहाँ पे समर ही रख लेते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। अच्छा जो कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम इन, कलरफुल फ्लावर्स जब कौन से सीज़न पे खिलते हैं, स्प्रिंग, ठीक है? आप यहाँ पे करोगे, लेग्स एंड पाउंड्स आर फिल्ड विथ वाटर इन। लेग्स और पाउंड्स जो तालाब और ये हैं, ये किन कौन से सीजन में पानी से भर जाता है, रेनी सीजन, ठीक है जो? सन शाइन्स ब्राइटली इन समर सीजन, ठीक है? अच्छा जो वी यूज स्वेटर्स इन विंटर सीजन में, हम स्वेटर्स पहनते हैं। अनदर नेम ऑफ रेनी सीजन इज मॉनसून, ठीक है जो? अब है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? एक मिनट, मैंने आपके लिए यहाँ कॉपी पे लिख के रखा है, आपको शायद प्रॉब्लम हो रही है, बुक पे समझ में नहीं आ रहा आई थिंक आप, ओके जो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके लिए आंसर्स लिख के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर वन वन करके आंसर लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर वन अपनी बुक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन था आपका, नेम द फोर मेन सीजन्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ उसका आंसर है जो द फोर मेन सीजन्स ऑफ इंडिया आर समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन, ठीक है? नंबर टू आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है जो? नंबर थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग समर सीजन एंड टू बीट द हीट, ठीक है जो? नंबर थर्ड आपका है आंसर, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जूस एंड ईट वाटरमेलन एंड मैंगोज ड्यूरिंग समर सीजन टू बीट द हीट, ठीक है जो? अब नंबर फोर है आपका क्वेश्चन, विच सीजन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर, हाउ डू वी इंजॉय दिस सीजन, ठीक है? तो आपको आंसर लिखना है, स्प्रिंग सीजन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर, वी प्ले अ लॉट ऑफ आउटडोर गेम्स एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू इंजॉय द रेनी ये सीजन, ठीक है जो? अच्छा जी, टू इंजॉय द स्प्रिंग सीजन, ठीक है? नंबर फोर आपका हो गया। फिर नंबर फिफ्थ है आपका क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रंस इंजॉय द रेनी सीजन, चिल्ड्रंस मेक पेपर बोट्स एंड सेल इट इन द रनिंग रेन वाटर टू इंजॉय द रेनी सीजन। ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके बाद, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो आपके लिए एक चैलेंज दिया हुआ है, यू ऑल नो व्हेन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, आप सब जानते हो क्रिसमस कब मनाया जाता है, यस इट इज ऑन 25th दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, हर साल 25th दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है जो? नाउ इन विच सीजन इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, आपको बताना है ये कौन से सीजन में मनाया जाता है। दिसंबर में मनाना, दैट मीन्स उस वक्त दिसंबर से लेकर फेब तक क्या चलता है, विंटर सीजन, तो वो जो है ये क्रिसमस जो है विंटर सीजन में मनाते हैं, ठीक है जो? यहाँ पे क्या किया है आपके लिए, सी द पिक्चर्स एंड राइट द सीजन्स टू विच इट इज रिलेटेड, आपको पिक्चर्स के हिसाब से इनके सीजन्स के नाम बताने हैं, जैसे कि ये है समर सीजन, है ना, ये हो गया आपका स्प्रिंग सीजन, ये आपका रेनी सीजन, ये आपका विंटर सीजन, ठीक है? अब आपके लिए अवेलेबल एंड लाइफ साइकिल एक थोड़ा सा ये दिया हुआ है, देखो आप यहाँ के, वाइल इट इज रेनिंग
अच्छा बारिश हो रही है। इफ यू हैपन टू वॉक विद एन अम्ब्रेला एंड सी योर फ्रेंड ऑन अ रोड विदाउट एन अम्ब्रेला, आपके साथ क्या होता है? आप बारिश में अम्ब्रेला लेके जा रहे होते हो और आपका जो फ्रेंड है वो जो है बिना अम्ब्रेला के जा रहा है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? आपको क्या करना चाहिए? यू शुड शेयर योर अम्ब्रेला विथ योर फ्रेंड। आपको अपने अम्ब्रेला जो है, अपना छाता जो है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, है ना? ओके, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।